अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सब देख रहे हैं स्वीट फॉर्म मनोसलवा। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और अच्छा सा कमेंट जरूर किया करें। रेसिपी का नाम है चिकन टिक्का कढ़ाई। सबसे पहले चिकन लें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, फिर नमक डाल दें जितना आपको पसंद हो। टिक्का मसाला मुनासिब सा डाल दें जितना आप पसंद करें। तीन चम्मच भरे हुए लेमन जूस के डाल दें। चिकन और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। टिक्का मसाला कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। अब इसको एयर टाइट बर्तन में डालकर 2 घंटे मैरिनेट करें। हमारा चिकन मैरिनेट हो गया। अब हम इसे सीखों पे लगा के तंदूर में गला लेंगे। तंदूर को हमने गरम कर लिया। अब हम इसमें चिकन रखेंगे और उसे तैयार करेंगे। ये देखे इतना अच्छा कलर आ गया। अब हमारा चिकन भी तैयार हो गया। अब हम मसाला तैयार करेंगे। टमाटर को थोड़े से पानी में डाल के अच्छे से गला लें। अब हम इसमें नमक में डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। अब अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लें। ऑयल डालें और अच्छी तरह से भून लें। हमारा मसाला भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन के टिक्के जो हमने अभी आपके साथ तैयार किए थे। अब हम इसमें दही डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। चिकन तैयार हो गया है। अब आप इसमें जीरा डालें अगर आपको पसंद हो तो, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना डाल दें।
इनसे और भी अच्छा टेस्ट लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी, आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मुझे इजाज़त दें, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। इसके साथ रायते की भी रेसिपी है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ये रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।